यार दगड़ी, मुझे पता नहीं था ये कुरकुरा बिना फाड़ा हुआ इसको देना पड़ता है करके, तो मैंने फाड़ दिया और ये देखो बेल फरका के बैठ गया मिलने। गया। तो दगड़ियो जोर जोदा ठड़ी रही है। नमस्कार, देख जोर जोदा नमस्कार। हमारे साथ आई हुई है देहरादून से किट्टू, तो हमारे परम मित्र, हमारे मित्र है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं मसूरी में। जय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स, दीप जोशी ब्लॉग्स में। तो यार दगड़ियों, में हम आ गए थे देहरादून। कल का ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया क्योंकि रास्ते भर बारिश थी, और बारिश तो कहती कहीं धूप ही बारिश थी, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। और कल पहुंच गए थे हम रात को देहरादून में। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही थोड़ा काम था, तो काम वगैरह किया हमने। तो अभी मैं निकला हूँ घूमने के लिए, और फिर मेरे साथ आ गई थी किट्टू देहरादून से, जो मेरी फ्रेंड है, और फ्रेंड के घर जा रहे हैं अभी। तो अभी चलते हैं कब्बू के यहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं, तो कब्बू के यहाँ को निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। घूमते घामते देहरादून की गलियों में घूमते घामते हम पहुँच चुके हैं एक फेमस यूट्यूबर, फेमस ब्लॉगर, फेमस इंस्टाग्राम वाले हमारे मित्र हैं एक, तो और ये है कब्बू रावत ब्लॉग्स। हेलो, क्या हाल है आपके? लाओ मैं बना देती हूँ। तो फर्स्ट मीटअप है हमारा, क्या हाल है? और बढ़िया। हेलो। तो इन्होंने अपना अब नाम चेंज कर दिया है, क्या रख दिया आपने अपना नाम? ब्लॉग्स। तो आप दीप जोशी ब्लॉग्स करते हैं। अरे उसका फेवरेट वो आया है यार, कुरकुरा, उसको दे दे कुरकुरा। तो एक एक करेक्टर तो आया था मेरे साथ, दूसरा करेक्टर और जुड़ गया उसके साथ ये। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके इनसे मिला हूँ और इनसे मिला हूँ देहरादून आके। तो बाकी लोग अभी रेडी हो रहे हैं होटल पे, तो मैंने कहा तब तक मिलाता हूँ फटाफट। यार थोड़ा सा काम था हमारा देहरादून में, तो काम वाम हमने कल निपटा लिया था शाम को नाइट में, क्योंकि सर के साथ काम था कुछ, तो हमने वो निपटा के उसके बाद हम लोग रुक गए थे होटल होटल पर। और अभी वो लोग तैयार होते, तो मैंने किट्टू को बुला के तुरंत थोड़ी देर में कहा कब्बू से मिल लेते हैं, तो तुरंत आ गए हम यहाँ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थोड़ा घूमने, आज देहरादून विजिट करते हैं, और उसके बाद बने रहे ब्लॉग में, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो बाय बाय। यार दगड़ी, मुझे पता नहीं था ये कुरकुरा बिना फाड़ा हुआ इसको देना पड़ता है करके, तो मैंने फाड़ दिया और ये देखो बेल फरका के बैठ गया मिलने। बेल फरका के बैठ गया मिलने। अभी अभी तक ठीक था, मेरे मुंह को देखा था जैसे मैंने इसके लिए कुरकुरे का थैला फाड़ के दिया इसको, बेल फरका के बैठ गया अभी। अब क्या करूँ इसको? ब्रूनो सॉरी सॉरी सॉरी, नाराज हो गया ये बेचारा। कोई बात नहीं, चल अगली बार आऊँगा कुरकुरे पूरा बड़ा पैकेट लेके आऊँगा, 20 रुपये वाला तिल दिया। अभी यहाँ से विदा लेने का समय आ गया हमारा, अब कब्बू के यहाँ से लेते हैं विदा, और कब्बू को करते हैं बाय बाय। इन दोनों का भी बाय बाय चल रहा है अभी। चलो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं, और अपनी तबीयत का ध्यान रखो, ठीक है, फिर मिलते हैं। कैसा लगा मिलके? मेरे को तो गजब लगा, पूछो ही मत। चलो ठीक है, बाय बाय। गाड़ी में लाए थे हम लाने के लिए, तो लेकिन गाड़ी वो ले जा रहे हैं, और हम ये देखो ये कच्ची रोड में आ रहे हैं, अभी पैदल चल रहे हैं, पता नहीं इतना भयंकर हो रहा है ना यार, और कौन सी गली में पहुँचा रही है इसमें मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। पंकज लोग रुके हैं उनके लिए, वहाँ जा रहे हैं अब हम। देखो यार दगड़ियो, फाइनली हम पैदल घूम घाम के किट्टू की स्कूटी में आ के अब आ गए हैं विजय सर की, फिर से अपने उसी में जिसमें हमारे पायलट साहब थे ना, बाबू पायलट साहब जतका इट सा हाँ ईटा। यार दगड़ियो देख सकते हैं देहरादून का जाम, बाप रे गजब हो गया, मतलब यहाँ हम लोग निकल चुके हैं अभी घूमने के लिए मसूरी को। मसूरी वाली रोड है, और यहाँ पर से देखो अब पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से देहरादून कितना प्यारा दिख रहा है, और यहाँ मौसम तो आज ठीक ही लग रहा है वैसे अभी तक, क्योंकि बादल वगैरह तो लगे हैं। गाड़ी यहाँ पर अंदर जाने का पैसा है, मतलब अंदर को एंट्री करने का, तो कितना है कार जी? 60 रुपीज़ खुले हैं।
तो यहाँ पर से एंट्री हमने करनी है 60 रुपये अंदर दे के, यहाँ पर से दे के फिर अंदर जाने हैं। यहाँ पर हमने कटवा लिए पर्ची, अब हम सीधे निकलेंगे आगे को। नहीं लोकल वालों की अलग लेन चल रही ना, लोकल और बाइक वालों से नहीं होगा शायद ना। ओके तो ये देखो दगड़ियों, मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया यहाँ का, देख सकते हैं आप। आहा मैंने शीशा डाउन किया और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं अब, और पूरा पैक हो चुका है देखो। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में, देख सकते हो आप, ये है यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज, और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं मौसम बहुत साथ दे रहा है हमारा। बस हल्द्वानी में नहीं दिया था हमारा साथ, वहाँ से जब हम निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मसूरी, ये देख सकते हैं टैक्सी स्टैंड वगैरह, बुकिंग ऑफिस, यात्री टिकट घर, लाइब्रेरी मसूरी। और ये देख सकते हैं यहाँ को बड़ा भयंकर हो रखा है मौसम मसूरी में, देख सकते हैं अभी भी रिक्शा प्रणाली चालू है, कई जगह बंद हो गई है लेकिन यहाँ रिक्शा प्रणाली अभी भी चालू है, देख सकते हैं भीड़ भड़ाका बहुत है यहाँ पे भी। पूरा दे रहे हो, तो ये है कौन सी रोड है, मॉल रोड। काफी भीड़ भड़ाका है। दर्द गाड़ी हम लोग पहुंच गए थे, गाड़ी आड़ी लगा के हम लोग कुछ खाने के लिए पहुंच गए थे यहाँ पर, थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ खाते हैं। और हमारे साथ आई हुई है देहरादून से किट्टू, तो हमारे परम मित्र, हमारे मित्र है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं मसूरी में, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ का, तो अभी घूमते हैं मॉल रोड में अभी हम। तो देखो बने रहिए ब्लॉग में गाइस, हम लोग रील्स बनाएंगे ठीक है हम दोनों, तो लाइक करें शेयर करें कर देना यार इसको भी फॉलो करें गाइस, फॉलो बैक मिलेगा ठीक है। गाड़ी मसूरी पहुंचते ही हम सबसे पहले खा रहे हैं मैगी, और सामने देखो कुछ भी नज़ारा अब दिख ही नहीं रहा है, पूरा पैक हो गया है, कोहरा लग गया पूरा। और मैगी खाते हैं और यहाँ पर अभी घूमने चलते हैं उसके बाद ऊपर को। ये देखो तो गाड़ियों पका भग लगी है, ये चुप रहे, कैसी हो रही है, बढ़िया बढ़िया हो रही है। क्या है यार कुछ भी मतलब, तो डालना है नहीं, तूने खाली बनाना है मुझे पता है। नहीं वीडियो डालूंगा ना, क्यों नहीं डालूंगा देख। तो यार तगड़ी मॉल रोड घूम के अब हम जा रहे हैं जॉर्ज दास से मिलने हैं आपको, ऊपर कहीं जॉर्ज दास रहते हैं बोले, अब देखो मिलते हैं तो ठीक ही है, जॉर्ज दास से भी मिलाएंगे। और ऊपर नहीं रहते, रास्ता है ये, अच्छा जॉर्ज दास के घर का रास्ता है बोलिए, चलो चलते तो है, मसूरी वाले रास्ते में ही तो है सुबह से हम जब से चल रहे हैं। तो यार दगड़ियों हमको ये जॉर्ज लगा कर यहाँ पर है जॉर्ज एवरेस्ट, हाथी पाँव भी इधर ही है बल। दगड़ियों अब बैठा दिया है मैंने किट्टू जी को आगे, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा घूमने जा रहे थे तो इनका सिस्टम चलता है यहाँ थोड़ा माउंट वाले में, क्या जॉर्ज माउंट वाले में, तो इनका सिस्टम चलता है, तो हमने कहा इनका सिस्टम ही चला लेते हैं थोड़ी देर। तो इनको आगे बैठा दिया है मैंने, मैंने कहा बैठो और मज़े लो और बढ़िया हमको पहुंचाओ ऊपर तक, क्योंकि यार लोकल लोकल ही होता है ना, मतलब चल ही जाता है फिर भी थोड़ा बहुत तो सिस्टम। तो चलो चलते हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है, भयंकर कोहरा लगा है भयंकर वाला, ये जाड़ों के दिन फेल हो रहे हैं दगड़ियों। कार पार्क पे और उसके बाद हम निकल गए हैं पैदल पैदल ऊपर को। तू कहाँ भाग रहा है, कैसा लग रहा है तुझे, कैसे चिता रहे हो भाई, तो फुल बॉडी ऑडी दिखा के आज तो ये डोले सोले बस। अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले वो खा रही थी मोमो मैगी, एक जो दांत सम हो जाए गाड़ी चलून में था चार दिन बैठे, हम दोनों का काम है खाना ठीक है, बिज्जू और मेरा। ट्रेन का डब्बा भी पहुंचा इतनी हाइट में, पता नहीं कैसे पहुंचा यहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को आ रहे तो कमेंट करो। यार दगड़ियों फाइनली पहुंच चुके हैं हम जॉर्ज दा के यहाँ पर, जॉर्ज दा तो कहीं ऊपर को है बल दिख नहीं रहे, अभी इस साइड को है कहीं ये,
कोरी से ढक गए हैं जोर्जदा थड़ी रे अल्लाह दिखी ना रे ना अल्लाह जोर्जदा खुटन नमस्कार कर लेते हैं बोल ब्लॉग में बनी रहो अभी जा रहा हूं जोर्जदा ताड़ दिया लग रहा है जोर्जदा ने लठी रे लग रही वो कथब तो बस्ता हस्ता टांग के बस्ता हस्ता टांग बा बेटा क्या पैर बिरन लगे लग रही आज हां जी लठी कांटे का यार अरे सारी देखते हैं हां जी आदम बंदूक हो तो लठी हो जी मंग वो गए बजरंग दल वाला लग रहा है मुझे तो यार्डी जवान चलो जाते हैं जोर्जदा से मिलते हैं तो दगड़ियो जोर्जदा ठड़ी रियो इल्ला नमस्कार जोर्जदा नमस्कार जोर्जदा हाथ बटेले पंचुन लग रही हो यो चाहियो अरे बारिश में पानी अंदर घुसा होगा ना सर में जोर्ज दा हाथ में लट्ठी छो आहा न्यारी लट्ठी हो ना ओ दा ठीक है साई तो दगड़ियों इसने जोर्ज दा को मास्क पहना दिया है ठीक है देखो स्वस्थ रहे मस्त रहे जोर्ज दा बची रहे अवल अगले साल हूँ बची रहे अवल इनका नारा था लठी टेको और बोझा भी दिखाता हूँ मैं लठी टेको बोझो बोक्यो लाऊ 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 और माउंट जॉर्ज को देखने आऊ 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 ऊपर से आ गए नीचे वहाँ देख दाख के वहाँ कोहरा ही कोहरा था कुछ दिख नहीं रहा था तो इस वजह से हम ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि हम को अभी देहरादून भी निकलना है तो हम आ गए हैं यहाँ पर और किरण जी को आगे बैठा रखा है। हेलो मैम तो कैसा लग रहा है आपको तो आगे बैठ के लोग बताओ तुम्हें कैसा चिता रहे हो तुम यहाँ हमें तो बढ़िया मेरी हॉली बाग देख रहा हूँ मैं हॉली बाग आया था कहाँ पर बाप रे ऐसा हॉली बाग तो चंडाक्ष भी दिखता है हमारा ओहो जोर्ज दा तो लठी टेको बोझो बो क्यों लाऊ 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 अब कब आला ये माउंट आऊ 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 बाय बाय तो चलते हैं तगड़ियो थोड़ा आगे अब आएगा नज़ारा दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में देखो कितना घना जंगल है मान लो वैसे अगर अच्छे मौसम में आ जाए तो अच्छा ही है अब हम बरसात के टाइम आए तो हमारी गलती है वो अब क्या कहूँ फिर अब ना तो बढ़िया हो रहा है देख सकते हो कि जब का माहौल हो रहा है यहाँ अंदर इतनी वीडियो अभी तक तो सिर्फ कोहरा ही कोहरा था साथ में बारिश भी आ गई है और कोहरा भी है और हमारे यात्रीगण सब सो चुके हैं ये देखो यात्रीगण को बढ़िया टोल आ गई है अब आगे टोल भी आने वाला है और बढ़िया बारिश भी आ गई है तड़तड़ वाली बढ़िया मौसम हो गया है मौसम ऑसम हो गया है पहले तो गाड़ियों पहुंच चुके हैं देहरादून और यहाँ पर लग चुका है बहुत भयंकर जाम कई मुश्किलों से हमें पार करते हुए यहाँ पर आना हो रहा है और यहाँ अभी ट्रैफिक लाइट की उससे रुके हुए हैं सब देखते रहे मेरे ब्लॉग्स दीप जोशी ब्लॉग्स में बाय बाय।